वो सब आपने मेरे लिए बोला, सो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का मेन टॉपिक जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है? आप सुन सकते हैं मुझे आराम से? पीछे सब लोग सुन सकते हैं? आई होप इट्स क्लियर। ओके, देखिए जो आज का टॉपिक है वो है होलिस्टिक पेरेंटिंग पर। तो सबसे पहले हम सबको बहुत ज़रूरी है जानना कि होलिस्टिक होता क्या है। आजकल आपने देखा होगा कि कितनी जगह पर बोर्ड लिखे होते हैं होलिस्टिक मेडिसिन के, इवन एम्स में देखिए अभी स्पिरिचुअल मेडिसिन का भी एक विंग बन चुका है, आयुर्वेदा का है, होम्योपैथी योगा का भी एक विंग आ चुका है। तो जब भी हम होलिस्टिक वर्ड यूज़ करते हैं, होलिस्टिक पेरेंटिंग का टॉपिक है राइट, तो हम होलिस्टिक पेरेंटिंग तभी सीखेंगे अगर हमें पता चलेगा होलिस्टिक होता क्या है। तो जब भी हम होलिस्टिक बात करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच में हम किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं करते। जैसे कि जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपके पेट में दर्द होता है तो हम पेट दर्द के लिए जब पेट की मेडिसिन लेते हैं तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। होलिस्टिक में हम एक इंसान को, एक आत्मा को एज ए होल लेते हैं, ठीक है। उसमें उसके मेंटल, उसका इमोशन, उसका फिजिकल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है जब हमने होलिस्टिक पेरेंटिंग करनी है तब हमने बच्चे को सिर्फ दिमाग में ये रखकर नहीं उसको बड़ा करना कि हमें उसे ये बनाना है, हमें ये बनाना है, या हमारे विचार जो हमारे सपने पूरे नहीं हुए हम अपने बच्चे को वो अपने अधूरे सपने पूरे करते हुए देखें, तो हमने उस बच्चे को ऐसे नज़रिए से नहीं देखना। वो एक अपने आप में एक सेपरेट, एक अपना पर्सनालिटी लेकर आया है, उसका एक अपना नेचर है। उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें उसके फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही उसका लालन पोषण करना है। और जैसे कि अभी आपने देखा मदर्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, तो हम यहाँ मदर्स डे भी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे देखिए कितने अच्छे से हर जगह पर मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मदर्स डे का एक्चुअली मदर्स को, मदर्स डे का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ग्रीटिंग कार्ड बना लिए या फिर बाहर जाके पिज़्ज़ा खा लिया, मदर के साथ दो चार फोटोएँ हो गई। तो मदर्स डे का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को, मदर्स को मतलब करना चाहिए, डेफिनेटली मदर्स को भी थोड़ा सा स्पेशल डे मिलना चाहिए, लेकिन मदर जो कि बच्चे की पहली गुरु है, जो जैसे सर ने बोला जो फर्स्ट टीचर है किसी भी बच्चे का, वो एक मदर ही है। तो मदर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चे के लिए तो पूरी पूरी होती हैं, परिवार के लिए पूरी होती हैं, लेकिन माँ की अपने लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम अपने मेन विषय पर आएंगे, लेकिन क्योंकि मदर्स डे का अभी जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मदर्स ने किया उनको देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सब मदर्स को यही बोलूँगी कि देखिए बच्चों में, परिवार में, अपने इन लॉज में, अपने पेरेंट्स में, अंदर मतलब गहराइयों में काम करते करते अपनी पर्सनालिटी को मत भूल जाइए, अपनी हेल्थ को भी मत भूल जाइए। क्योंकि जो मदर है, जो वुमेन है किसी भी फैमिली में, शी इज़ द पिलर, शी इज़ द फाउंडेशन। आपने देखा ना घर बनता है तो पहले फाउंडेशन बनाई जाती है, तो अगर फाउंडेशन जो नींव है, नींव बोलते हैं, अगर वही कमज़ोर होगी तो बाकियों का क्या होगा। भगवान ने बहुत सारी पेशेंस के साथ औरतों को बनाया है, तो आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और फिर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए। तो अब आते हैं पेरेंटिंग पर। देखिए जब भी पेरेंटिंग की बात करते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए जो पेरेंट बनना है, पेरेंटिंग, ठीक है, पेरेंट बनना, इसको कोई डर से नहीं लेना। अरे पेरेंट बन गए, हमने पेरेंटिंग का लेक्चर सुनना है, हमने कोई काउंसलर के पास जाना है, या फिर हमने यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक से नॉलेज लेनी है। अरे भाई ये सोचो, हमारी दादियों पर दादियों के कितने घर में बच्चे होते थे। अगर हम पीछे चलें तो देखिए हर घर में स्टैंडर्ड 4 से 6 बच्चे होते थे,
एक के एक घर में 4 to 6 डिलीवरीज होती थी, ना वॉशिंग मशीन होती थी, ना मोबाइल फ़ोन्स होते थे, ना इतनी कारें होती थी, ना एसी होते थे, फिर भी लोग बहुत आसानी से अच्छे तरीके से अपने घर में राशन भी लाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बेचते थे, बच्चों को गवर्नमेंट जॉब भी लगती थी, बच्चे इंडिपेंडेंट उनके भी होते थे। लेकिन अभी क्या सिनेरियो, क्या चेंज हो गया, चेंज क्या हुआ, 6 बच्चों से 2 बच्चे पर आ गए, 2 से मोस्टली 1 पर आ गए। और अगर मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, हमारे वहाँ तो अभी लेटेस्ट फैशन ये चल रहा है कि हमें 1 भी नहीं चाहिए, बेटर टू हैव अ पेट, ठीक है, जिसकी उम्र 12 साल होती है, 12 या 15 साल का एक पेट ही ले लीजिए, तो दे कॉल देमसेल्व्स एज ए पेट पेरेंट, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम पेरेंट हैं, पेट पेरेंट हैं, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना नहीं है। जबकि हमारी फैसिलिटीज़ तो बढ़ गई हैं, हमारे पास आज कितना पैसा, हर कोई हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है, देखिए कितने सारे गूगल ऐप्स हैं, आप शॉपिंग कितने अच्छे से कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पर बैठे बैठे ही आप सारा कुछ पे कर देते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉशिंग मशीन एक सब कुछ है हमारे पास। लेकिन जो हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है, जो सालों पुराने हमारे घर वालों ने जो किया, हमारे पूर्वजों की जैसी कैपेसिटी थी, हमारी वो कैपेसिटी दिन बर दिन कम होती जा रही है। आपने ऑब्जर्व किया ये, जितना मेरी माँ काम कर सकती है मैं उतना काम नहीं कर सकती, जितना मैं काम कर रही हूँ मेरी बेटी उतना काम नहीं कर रही, जितनी मेरी माँ की माँ ने किया उसकी माँ ने उससे ज़्यादा किया। तो ईच जनरेशन वी कैन मेक इट आउट कि जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी है, द थिंग्स, द टेंशन, द स्ट्रेस विच वी टेक, वो हर जनरेशन पे कम होता जा रहा है, जबकि जो कम्फर्ट जोन है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। अगर आप ग्राफ देखें बिल्कुल उल्टा जा रहा है, जितना आराम देते जा रहे हैं उतनी लाइफ नीचे को जा रही है। डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इतने सारे हमारे जो टेस्ट आ गए हैं नए, और जो ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डाउन होती जा रही है, लाइफ में वो क्वालिटी नहीं है। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं, जब पेरेंट्स की बात करते हैं, तो माँ तो सुप्रीम रहती है हमेशा, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर्स डे पे अगर फादर को विश नहीं किया तो ये मदर्स डे अधूरा है। क्योंकि किसी भी घर की जो फाउंडेशन अगर मदर है, तो फादर के बिना घर का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं इंटेग्रेटेड अप्रोच। इंटेग्रेटेड अप्रोच में हम कैसे काम करते हैं कि जो घर के जो मैस्कुलिन एनर्जी है, मतलब जो फादर की एनर्जी है, और जो घर की फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब जो औरत की माँ की एनर्जी है, उन दोनों एनर्जीज में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो बैलेंस कैसे आएगा, जब हम एक दूसरे की बात को ना काटें, जब हम एक दूसरे से बहस ना करते हुए आपसी जो अपने रिलेशनशिप हैं उसमें लड़ाई झगड़े का या फिर एक दूसरे की बदला लेने की जो इच्छा है उसको कम करते हुए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। आप समझ रहे हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट की जगह हमें अपने दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ की नेचर को, हस्बैंड वाइफ को जो भी इकट्ठे चलना है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। देखिए ये टॉपिक इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। आपकी पेरेंटिंग कैसी रही ये आपको पता होगा, आपके हस्बैंड की पेरेंटिंग कैसी रही ये हस्बैंड को पता होगा, लेकिन हस्बैंड दूसरी फैमिली का, वाइफ एक और फैमिली की, लेकिन बच्चा तो आपका है। आपके जो पास्ट जो आपके एक्सपीरियंसेस थे वो चले गए, लेकिन अभी जो आपका नया आपका जो अपनी फैमिली लाइफ है उसमें आपको एक कोऑर्डिनेशन के साथ जाना है। छोटे बच्चे, 1 से 2 साल का बच्चा भी बहुत बहुत कीन ऑब्जर्वर होता है, वो हर टाइम पर ही कैन मेक इट आउट ही और शी कि मेरी मम्मी का मूड कैसा है, मेरे पापा का मूड कैसा है। आपका एक सिंपल सा रिएक्शन बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसको उसके लाइफ टाइम के लिए, मतलब एक ऐसी स्टैम्प लगा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे लिए बहुत
माइन्यूट बातें होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि फैमिली डिस्प्यूट्स, मैरिटल डिस्प्यूट्स, हस्बैंड वाइफ के कोई भी जो आर्गुमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें ये बच्चों के सामने अवॉइड करना चाहिए। आपको जब भी बच्चे के सामने आना है, जो भी आपके डिसीजन है या डिसीजंस में जो भी क्लैश है, वो आपको अकेले में डिस्कस करना है, क्योंकि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक इट आउट, उनको लगता है उनके लिए माँ भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए पिता भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब पेरेंट्स खुद डिस्कशन में आ जाते हैं तो बच्चा तो कंफ्यूज ही हो जाता है, हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। तो जब भी हम पहली बार अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी ठीक कीजिए और अपनी पेशेंस बढ़ाइए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी शुड नो के इंटेग्रेटेड पेरेंटिंग कैसे करनी है। आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, मान लीजिए आपको बचपन में कुत्ते ने काट लिया, सपोज़ आपको गाय ने, मतलब कई बार हम गाय को खाना खिलाने जाते हैं ना, कई बार मैंने सुना है कई वो होता है कि गाय ने सींग मार दिया, कुत्ते ने काटा, या आपका कोई बाइक से गिरकर एक्सीडेंट हुआ हो, आपका कोई भी बैड एक्सपीरियंस है, आप अपने बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको कहानी सुना सकते हैं, बेटा मेरे साथ हुआ, लेकिन अपना बैड एक्सपीरियंस बच्चे पे इम्पोज करके उसको भी डरा देना, ये भी एक गलत पेरेंटिंग है। क्योंकि ये बहुत रूटीन में देखा गया, हम लोग जिस चीज़ से डरते हैं ना, हम अपने बच्चों को भी, हमने ये नहीं खाया, मुझे इससे एलर्जी है, तुम भी बंद कर दो, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। आपका बच्चे में आपके जीन्स भी हैं, आपके हस्बैंड की फैमिली के भी जीन्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो आपका मेकअप हो वो डेफिनेटली सेम टू सेम बच्चे का भी हो, ठीक है। तो आपको अपने फियर्स, अपनी एंजाइटी, अपने बैड एक्सपीरियंसेस बच्चे पे थोपने नहीं है, आप उसे प्यार से बता सकते हैं लेकिन उस पर थोपिए मत। इसके बाद चलते हैं उस पे माइंड पे। देखिए, फिजिकली सब लोग इम्पोर्टेंस देते हैं बच्चे को खिलाने के लिए, कि हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल फिट रहना है, ये दो रोटी खा ले, चार रोटी खा लो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, लेकिन फिजिकल हेल्थ जो है वो तभी काम करती है अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है। तो एक चीज़ सारी माताओं को, सारी मदर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जब हम बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो बच्चे का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। आप बोलते हैं थप्पड़ मारूंगी खा ले, खाएगा नहीं तो मैं ये नहीं दूंगी, टीवी सीरियल तब देखेगा अगर ये ख़त्म करेगा, अगर ऐसा किया तो ऐसा नहीं करेंगे। अरे मैंने तो कई ऐसी मम्मियाँ भी देखी हैं, इट्स रियलिटी, आपको भी लगा होगा ऐसा होता है, कई मम्मियाँ बाहर गेट पर जाती हैं, मैं बाबे को बुला दूंगी, मैं भूत को बुला दूंगी, मैं इसको बुला दूंगी, मैं उसको बुला, बाबा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो इतना डर बच्चे के अंदर, बच्चा सहम जाता है और बच्चा खा जाता, खाना शुरू कर देता है। अब आप ये देखो, जो बाबों से डर डर के बच्चा खा रहा है या भूत, जो अननोइंग, मतलब जो अननोन फिगर आपने बना दी, वो बच्चे के लिए वो खाना क्या पचेगा, वो तो डर के ही खा गया ना। एक हमारा सिस्टम होता है फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, इमरजेंसी सिस्टम जो होता है ना बॉडी का, जैसे अगर आपका, आप जा रहे हैं, आपके पीछे शेर को मैं भगा दूँ, कि आप खड़े हैं, मैं आपके पीछे शेर को लगा दूँ, तो जो आपकी हालत होगी ना फाइट, और जिसकी भी आपकी या मेरी, हम जो है उस टाइम पे फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म हमारा एक्टिवेट होता है, या तो मतलब मर जाओ या बच जाओ, इस टाइप का मैकेनिज्म होता है। तो बच्चे की हालत वही होती है, बच्चा बेचारा डर के मारे ढूंस लेता है, और अब ये देखिए उसमें क्या उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्या उसको एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा होगा, उससे बेटर नहीं है जो उसे पसंद है उसके फेवरेट माहौल में उसको लगा के दीजिए, बच्चा भी खुश और मम्मी भी शांत। तो ये चीज़ मान लीजिए, बच्चे को इतना फोर्स नहीं करना। और जिनके बड़े बच्चे हैं, अब बड़े बच्चों पे आ जाते हैं, बड़े बच्चों पे हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हाय हमारा सुनता ही नहीं है, अब तो जैसे जैसे टीन एज हो गई है तो सुनता ही नहीं है, साड़ी गाने नहीं सुनता, तो बच्चे मुंह बनाते हैं पेरेंट्स को। जब बच्चा छोटा होता है तो आप वो कुछ भी करता है, आप बहुत खुश होते हैं कि देखो कितना अच्छा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी बातें करते हो, उसे हक करते हो, आपको अच्छा भी लगता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होना शुरू होता है तो हम बोलते हैं कि टेबल बदल रहे हैं, कंपनी खराब है, सुनता नहीं है, मोबाइल ही लेके बैठता है, ये आपको शक होता है बच्चे पे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है, राइट। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में पेरेंट्स क्या करें, अब देखो अगर वो कुछ बता देता अपने बारे में तो फिर कई बार तो हम एक दो लगा भी देते हैं, अगर लगाने का फैशन घर में नहीं चलता तो हम उसे अच्छा सुना देते हैं, फिर हम बोलते हैं अपने हस्बैंड को भी आके बोलते हैं, आज तक मैं अच्छा सुना था, आज मैं सीधा करता, सीधा कर दिया हमने बोल बोल के उसको, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो बच्चे टीनेजर्स भी होते हैं ना, 18 साल की उम्र होती है एडल्ट बनने की, तो 18 साल को एडल्ट क्यों कहते हैं, एडल्ट होंगे 18
12 के बाद ही क्यों दिखाते हैं, 14 में दिखा दो, 16 में दिखा दो, 19 वो आजकल सारे ही देखते हैं, हर तरह की मूवी देखते हैं। लेकिन जो एडल्ट एज 18 साल की इसलिए बनाते हैं क्योंकि 18 ईयर्स तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता रहता है। 18 साल तक बच्चे का डिसीजन मेकिंग जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता, वो बचपन की स्टेज में ही है क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों में वो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब स्टाइल मार लेने, बात कर लेने, कुछ भी एक्सप्लोर करने में, एक्सप्लोर तो बहुत करते हैं लेकिन अभी दिमाग कच्चा ही है, इसलिए 18 साल तक बोलते हैं वो एडल्टहुड नहीं आता। लेकिन जब बच्चे हमारे पास आते हैं, कुछ बोलते हैं, वो हमारे रिएक्शंस देखते हैं, वो देखते हैं कैसा रिएक्शन आएगा, तो वो छोटी सी बात शुरू करते हैं, फिर देखते हैं धमाका कैसा होगा, कैसा बॉम्ब फूटा, छोटा वाला, बड़ा वाला, घर में क्या हुआ, तो उस हिसाब से वो अपनी अपनी बातें बताना शुरू होते हैं। अब आती है अच्छी पेरेंटिंग के टिप्स। अब जो अच्छा पेरेंट होगा वो उसके एक्शन पे रिएक्ट नहीं करेगा, जितना आपका ब्लास्ट छोटा होगा उतना बच्चा आपके पास रहेगा। समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जितना आप भड़कोगे, जितना आप स्ट्रॉन्ग भड़कोगे, बच्चा आपसे उतना दूर होता जाएगा। कैसे? आपको उसने अपनी कोई बात सुनाई, अपने फ्रेंड की बात सुनाई जो आपको भी नहीं जची और जचने वाली बात ही नहीं थी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है, आइडली वो बिल्कुल गलत था। लेकिन जब आपका जबरदस्त रिएक्शन होगा, एक ब्लास्ट होगा मम्मी की तरफ से, मम्मी से बच्चे, मम्मी लीनियंट होती है यूजुअली, पापा से ज़्यादा डरते हैं, तो जो मदर का जो एक अफेक्शन है, मदर मैंने आपको शुरू में बात की थी ना, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो लॉजिकल रीजनिंग वाली होती है, फादर हमेशा लॉजिकल बात करता है, रीजनिंग प्रैक्टिकल ये अप्रोच देता है बच्चे को। मम्मी क्या होती है? प्यार का भंडार, अफेक्शन, इमोशंस, एक दरिया है, ठीक है, जो इमोशंस, किसी को रिस्पेक्ट करना, इमोशनल जो स्ट्रॉन्ग, कोई धक्का लग गया उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मतलब इमोशंस अपने वाइफ से कैसे रहना, ये सारा माँ से आता है। अब बच्चे माँ से हमेशा लीनियंट होते हैं, तो मम्मी को छोटी सी बात बोल दी, मम्मी ने पापा के कान में मार दी, अब फूक वो कान में गया पापा के, अब एकदम से घर में धमाका हो गया। तो आप सोचिए ऐसी हालत में नेक्स्ट टाइम कोई आपको कोई बात बताए ना, जो एक बार का एक्सपीरियंस इतना गंदा हो गया, अगली बार वो 10 बार सोचेगा अरे इससे पंगा कौन लेगा, वो भी टेंशन, दे विल स्टार्ट हाइडिंग द थिंग्स, वो बच्चा बातें छिपाना शुरू कर देगा। 18 का तो भी हुआ नहीं है तो बच्चे, लेकिन वो बच्चे बड़े स्मार्ट, बच्चे तो इस एज के भी बहुत स्मार्ट होते हैं, सब पता होता है मम्मी से कैंडी कैसे लेंगे, कैसे पैसे निकलवाने हैं, कैसे रोना है, क्योंकि छोटे होते से ही ये अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, ऐसे खाओ, ऐसे उठो, ऐसे करो, जो जेस्चर्स भी आप देखो ना, अगर दो लोग जा रहे होते हैं बड़ी एज के, हम लेते हैं हाँ इसकी मम्मी लग रही है, इसकी मासी लग रही है, बुआ लग रही है, तो फैमिली जो जेनेटिक मेकअप होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, और पेरेंट्स के साथ तो बहुत ही स्टाइल मैच करते हैं, तो हम सिखाते तो नहीं बच्चे को इस स्टाइल से खा, इस स्टाइल से बात कर, वो अपने आप ऑटोमेटिकली पिक करते हैं। स्टाइल ही नहीं, हमारी एक एक हैबिट, हम कब झूठ बोलते हैं, कब हमें उनको आर्टिफिशियल बिहेवियर सिखाते हैं, कब किसी की चुगली कर देते हैं, उसकी बैक बाइटिंग कर दी, सामने बच्चे को बोले चल अब ऐसे हेलो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो देखें देखे उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी बन जाती है। तो मेरा पहली चीज़ तो आपसे ये सब रिक्वेस्ट है, जो भी हम बन चुके हैं, अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों को उससे डिफरेंट देना, तो जो हमारा बेसिक है ना उससे थोड़ा आप बच्चों के सामने अपने पे कंट्रोल करके बिहेव कीजिए, कि जो आप असली में हैं आप नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते, हमारी एज में कोई भी बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, हमें बहुत हार्ड प्रैक्टिसेस चाहिए अपने आप को चेंजेस लाने के लिए। लेकिन बच्चे को चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो आप ही को जो प्रैक्टिसेस करोगे वो बच्चा फॉलो करेगा, तो आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़े थोड़े चेंजेस लाइए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं बच्चों के लिए। अब बात आई वो बच्चे की हाइडिंग वाली, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो बच्चा छिपाने लग गया, अब बच्चा छिपाने लग गया आपसे तो छिपा लिया, अब उसे भी कोई कंपनी चाहिए, सपोज उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी गर्लफ्रेंड है या स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तब बच्चा उनके साथ लग जाता है, ज़्यादा टाइम उनके साथ लगाएगा। अब जब उनके साथ टाइम लगाते हैं तो कुछ आपकी फैमिली, आपके जीन्स, कुछ बच्चे में बॉन होता है ना क्वालिटीज़ की, मेरी मम्मी ऐसी है मैं भी ऐसा बनूंगा, मेरे पापा ऐसे हैं मैं भी ऐसा हूँ, या फिर कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन
वो क्वालिटीज भी जब बच्चा अपनी कंपनी खराब कंपनी में फंस जाता है, उसको डर रहता है कि मेरे फ्रेंड्स भी कहीं मेरी बात सुनना छोड़ ना दें, तो वो उनके साथ चिपकने के लिए जो भी उनकी क्वालिटीज या काम जो उसे पसंद नहीं होते वो उनके साथ भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर फियर हो गया कि मुझे लोग चाहिए। अगर घर पे बात नहीं सुन रहे उसे तो लोग चाहिए जिनकी वो बात, जो लोग उनकी, उसको कंपनी चाहिए। तो समटाइम्स इवन इफ दे डोंट वांट टू डू सर्टेन थिंग्स दे स्टार्ट एंगेजिंग देमसेल्व्स इन सच डीड्स कि हाँ यार दोस्त को क्या लगेगा, वो कह रहा था वहाँ घूमने चलते हैं, गेड़ी मारने चलते हैं, चलो मैं चला जाता हूँ, दिल नहीं है, थका भी हुआ, सिर भी दुख रहा है, पर अगर मैंने आज इसको छोड़ दिया तो मुझे कल ये पूछेगा नहीं। तो इस चक्कर में वो दूसरे लोगों पर चिपकना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही दूसरे लोगों पर चिपकना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं तो आपकी जो, आपका जो बॉन्ड है, आपका जो कनेक्शन है, वो दिन ब दिन वो जो धागा इतना स्ट्रॉन्ग आप बना के रखते हैं वो धागा भी खुला शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बनाने के लिए, इस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को टोकना कम करना है। हमें पता होता है बहुत चीज़ें गलत है, अंदर से हम जल रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, अरे ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन हम कई बार ऐसे पेरेंट कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम कॉन्स्टेंटली उसको टोकते रहते हैं, करेक्ट 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 करो, मासी को नमस्ते, इसको नमस्ते, यहाँ माथा टेको, यहाँ ये करो, ये नहीं करो। हम सोचते हैं सिखा रहे हैं, हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हम ऑनेस्ट पेरेंट, ऐसे हर कोई करता है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरा भी व्यू, हम लोग ऐसे, हम सोचते हैं हम तो पेरेंट हैं, हमारा काम है सिखाना। पर जब 10-11 साल के बच्चे हो जाते हैं उनको करेक्शन ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको कनेक्शन ज़्यादा पसंद है। उनको क्या पसंद आता है, क्या किया आज, क्या चल रहा है, कहाँ जाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, सिलेबस कितना हो गया। आप जाके बोलोगे ये ख़त्म कर लो, इतना पोर्शन रह गया, एग्ज़ाम आ गया, पोर्शन आ गया, फाइनल एग्ज़ाम है, ट्यूशन, दे विल नॉट लाइक दैट, दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग डिफरेंसेस एंड डिस्टेंसेस। वो क्या पसंद करेंगे, कितना हो गया देख लो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है कर लो। ये आजकल के बच्चे, हमारे पूर्वजों में, हमारे जो फोर फादर्स में चलता था, थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, डंडा रख दिया, मुर्गा बना दिया। लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है जहां आप ये सब करो, क्योंकि वायलेंस से, अब्यूजिंग से जितना उसे टोकोगे, जितना क्रिटिसाइज करोगे, वो और ढीठ होते, खराब हो जाते हैं। और आजकल किसी को फर्क पड़ता है अगर वो किसी से बात नहीं करता, मेरे से आप बात नहीं करोगे मैं फ़ोन देख लूँगी, फ़ोन ले लेगा तो वो टीवी देख लेंगे, टीवी नहीं देखेंगे तो बाहर भी बहुत कुछ है। आजकल के ज़माने में अपने आप को एंटरटेन करना तो मुश्किल है ही नहीं है। तो ये हम सोचते हैं एज ए पेरेंट कि हाँ ये बच्चा क्या फील करेगा, मेरे पास आएगा, वापस आएगा, कई बार हम उसका टेस्ट लेना शुरू करते हैं, तो हम खुद ही धोखे में रहते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि बच्चों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए, तो हमें अपने आप को चेंज करना है। और आपने देखा होगा ना गीता जी का वो सांख्य योग जो आता है, सेकेंड जो चैप्टर है गीता जी का, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ का देश, वो जो फल की इच्छा वाला है, तो जो कर्मण्य वाधिकारस्ते है उसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपने फल पर ध्यान नहीं देना। उसमें ये नहीं कि आपने फल की इच्छा नहीं करनी, फल की इच्छा करो, कितना भी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए आप फल की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो फल है, जो फ्रूट है, वो आपके कंट्रोल में रिजल्ट नहीं है। तो अगर आप फ्यूचर टेंस में रहकर चिंता करते रहेंगे मैं ये कर दूंगा बच्चे के लिए, ये कर दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं IAS होंगे, BCS कर लेंगे, BMT कर, तो वो एक तरह का बर्डन हो जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पहले आप अपने आप को अपना बैलेंस मेंटेन करिए। और एक और चीज़ है, देखिए पेरेंट्स के लिए सबसे पहले स्टेबल होना ज़रूरी है, काम, कंपोज्ड, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। अब मान लो आपका बच्चा आया स्कूल से, बोला कि आज स्कूल में ये ट्रेजेडी होगी, और आप धाड़ धाड़ दो चपेड़े मारने लग गए, और एकदम से आप बर्स्ट हो गए, आप ही अपना शुरू हो गए बोलना, तो वो सोचेगा मैं प्रॉब्लम लेके आया था, ये तो और भी प्रॉब्लम में हो गए, ये क्या हो गया। आप इमेजिन कीजिए हमारे घर के, हम मोस्ट ऑफ द हाउसेस, ज़्यादा घरों में ये होता है। आप कोई भी इंसिडेंट सोचिए, आपका बेटा या आपका बेटी आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है और आप ऐसे ढा करके ऐसे ब्लास्ट कर देते हो, वो बेचारे की हालत सोचिए जो आपके पास प्रॉब्लम लेके आया। तो जो एडल्टहुड है, एक होता है एडल्टहुड, एक होता है पेरेंटहुड, और एक होता है
जो आपका चाइल्ड, ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस है। आप पेरेंट में आ गए हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप एडल्ट वाला बिहेवियर करो। बड़ों जैसा बिहेवियर करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड अपनी रखनी है। जितना भी गुस्सा आए अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि जिस टाइम हम आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं ना, तो उस टाइम पर आपकी इज्जत भी जाती है और आपकी वैल्यू भी जाती चली जाती है। उनको पता चलता है इससे नहीं होने वाला, दिल में तो वो यही सोचते हैं अरे भाई इसके बाद पर कहाँ फंसते, किसी और से सलाह ले लेते, इसके बस की बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ बात करना चाहूँगी कि जो परफेक्शन होती है, हम कई बार सोचते हैं कि हमें ना परफेक्ट मदर बनना है। आप देखोगे बच्चे कार्ड बनाते हैं मदर्स डे का, फादर्स डे का, वो लिखते हैं फॉर माई बेस्ट मॉम, बेस्ट मॉम, बेस्ट फादर, वो बना देते हैं। हम लिख देते हैं माई बेस्ट डॉटर, बेस्ट, कोई भी, देर इज़ नो बेस्ट। पेरेंटिंग में भी कुछ बेस्ट नहीं है। आप ऐसे मत सोचो कि हमने पता नहीं क्या कर देना है या हमारे बच्चों ने क्या कर देना है। देर इज ऑलवेज, देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर। देखिए सिस्टम में भी एरर आ जाती है, जो PhD के रिसर्च वगैरह जब हम करते हैं उसमें भी एरर्स आते हैं। जब स्टैटिस्टिकली हम देखें तो हर चीज़ में एरर होती है। तो आप ये मत सोचो मेरा बच्चा 10 वाला 10 ही होना चाहिए। अरे 10 में से अगर 6-7 भी अच्छी हो गई तो भी बहुत एज है। उम्र के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे टाइम दो, उसको गलतियाँ करने दो, उसके पीछे बार बार नहीं जाना, करेक्ट हो जाओ, करेक्ट हो जाओ। इट्स अ टॉर्चर। बच्चे को बच्चे ही रहने दो, बड़े को बड़ा ही रहने दो, आपको इतना नहीं घूमना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, अपने पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि वो आप ही से सीख रहे हैं। तो ये जो आज का सेशन है आपको थोड़ा अजीब लगेगा, इसमें बच्चों के लिए कम है, पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है। आपको ज़्यादा अपने पे काम करना है। अगर आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली बच्चों ने तो कर ही लिया। तो इसलिए आप सोचिए मत कि मुझे उसे हर चीज़ में सुपर करना है, मतलब वो पढ़ाई में भी सुपर हो, स्पिरिचुअल जो हमारी फैमिली एथिक्स है उसमें भी सबसे आगे जाए, स्पोर्ट्स में भी जाए, हॉबीज़ में भी जाए। अब हॉबी को पकड़ते हैं। हॉबी में क्या आता है, देखिए आजकल सब लोग अच्छे अच्छे स्कूल्स में बच्चों को डालते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। अब जो भी ये एक्टिविटीज़ है ना, ये सारी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब इसमें एक टाइम टेबल होगा। मतलब अगर आपने कहीं 500 रुपये लगाए, आप पहले पूछते हैं ना, हम 500 रुपये दे रहे हैं भाई क्या करवाओगे, 700 रुपये लगाए हैं, 700 रुपये में कवर क्या करवाओगे। जैसे हम कहीं गाइड कहीं घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे, गाइड आ गया, गाइड ने पैसे मांगे तो पूछते हैं ना कितनी जगह पे लेके जाएगा, गाइड का काम गाइड करना है तो वो लोग करोगे क्या क्या। ऐसे ही जब हम किसी हॉबीज वगैरह में डालते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या मिलेगा इतना पे कर रहे हैं। तो जैसे ही बच्चा बोलते हैं मैं ना सिंगिंग अच्छा है, मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है, हम भाग के कह देते हैं ओ चलो चलो सिंगिंग क्लास देखो, इसके लिए ड्राइंग क्लास देखो, इसका इंटरेस्ट है, इसको ये बना देंगे, क्रिकेट बोल दिया तो सारे ही सचिन तेंदुलकर बनेंगे। तो हम एज ए पेरेंट अच्छा कर रहे होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड में पिसता कौन है, बोलते ना पंजाबी में कचुंबर काट देना, कचुंबर किसका निकलता है, बच्चे का। कैसे निकलता है, टाइम हो गया जल्दी कर, ट्यूशन का टाइम हो गया, वो कोचिंग वाला आ गया, कोचिंग पे जाना है, इतना पे कर रहे हैं, इतनी फीस है, चलो। तो दीज आर नोन एज स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज में बच्चे को डालो, डालना बुरा नहीं है, डालो, लेकिन उसको इतना मत आप परेशान कर दो, 2-3-4 में डाल डाल के कि स्विमिंग भी कर ले, डांस भी कर ले, सिंगिंग भी कर ले, चेस भी कर ले, क्रिकेट भी कर ले, इतना नहीं डालना कि उसका अपना ओन टाइम है, मतलब मी टाइम, सबका मी टाइम होना चाहिए। मदर्स डे की बात कर रहे हैं, सारी मदर्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना मी टाइम रखिए। वो मी टाइम आपका फेस की मसाज भी हो सकती है, फेशियल मसाज कीजिए, चाहे डांस कीजिए, चाहे गार्डनिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, कुछ भी जो आपको पसंद है आप अपने ओन मी टाइम में कीजिए। ऐसे ही बच्चे का भी मी टाइम है, जो उसे पसंद है उसे करना है। जब हम अपने मी टाइम में होते हैं ना, उसी टाइम हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। मॉर्निंग में हमारा स्ट्रेस हॉर्मोन जो कि कॉर्टिसोल कहलाता है, उसके वैल्यू सबसे ज़्यादा होते हैं। जिस दिन वो सुबह ऑफिस जाते हैं ना, 8 से 10 के बीच में रात को सोने के बाद अपना कॉर्टिसोल लेवल कभी ब्लड में देखिए, हाईएस्ट कॉर्टिसोल होता है मॉर्निंग में। सब लोग भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ब्रेन की बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या है,
हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, भूख प्यास खत्म हो जाती है, कोई होश नहीं, इंसान बस मतलब इतनी स्ट्रेस में हो जाता है, सारे हॉर्मोनल जो है बैलेंसेस वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को भी ऐसे ही स्ट्रेस होता है, लेकिन उनका शो करने का तरीका अलग होता है। कई बार रोने लग जाते हैं बच्चे, कई बार 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 मना करते हैं, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, अगर वो बार बार मना कर रहा है तो उसको धक्का मत दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में ज़रूर रखनी है। और जहाँ तक कि वो डाइट का ध्यान रखने का बात है, डाइट में भी बच्चे का तब अच्छा होता है अगर आप शुरू से ही उसे ये चीज़, जैसे होता है ना अलार्म के, मतलब अलार्म क्लॉक बजता है, अगर आप 3-4 साल से बोलते शुरू कर रहे ना कि अगर बादाम खाओ बेटा, बादाम आपके लिए अच्छा है, बादाम की शेप आँख जैसी है, अखरोट तो दिमाग जैसा है, देखो अखरोट बना ही ब्रेन के जैसा, ब्रेन की फोटो दिखाओ गूगल से, अखरोट की दिखाओ, दिमाग तेज हो जाएगा, और खुद भी खाओ। अगर आप 10-11 साल पे जाके पहले कैंडियां गोलियां खिला दी ऑरेंज वाली, 11 साल पे बोल लो कि अभी बोर्ड का एग्जाम है, दिमाग ज्यादा चल जाए, अब तो अखरोट खा ले, उसका टेस्ट बने क्या? जैसे काली मिर्ची है, बहुत बहुत दिमाग के लिए अच्छा बोलते हैं, तुलसी है, अजवाइन है, जीरा है, ये सारे होम जो रेमेडीज है, हर्बल वो है, जितनी भी रेमेडीज बेस्ट है पेट के लिए, या हमारे बड़े खाते थे, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, पहले आपने खिलाई नहीं, जब आपको लगा कि अभी आंखें कमज़ोर हो रही है, काली मिर्ची दे देती हूँ, मखाने खिला देती हूँ, कैल्शियम बढ़ जाए, ये कोई एक्सेप्ट करेगा? ऐसे पाठ पूजा में है, ऐसे ही कल्चर में है, अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। और एक लास्ट बात, जैसे हम बोलते हैं ना डीप ब्रीदिंग कर लो, टीवी में भी देखते हैं काम डाउन हो जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। जो डीप ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे तैतरीय उपनिषद में जो ह्यूमन बॉडी है उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, देयर आर 5 शीट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये अलग अलग कोश है, शीट है, एक लेयर है। तो इसमें आप देखो ना, प्राणमय कोश जो आता है वो मन और अन्न के बीच में आता है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हम लोग सच में काम कर होते हैं, क्योंकि उसका सेंटर ब्रेन में है, रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पीछे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा नामक एक ब्रेन का पार्ट होता है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, सच में टेंशन कम होती है। तो ये आर्टिफिशियल चीज नहीं, आप करके देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, तुसी बहुत वधिया जानकारी दी। ये दस्या बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माता के नाल